हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल शैडीज गार्डन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा कि आज मैं फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो उसके पहले आप इन फ्लावर्स को देखिए और उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से हमारे यहाँ फ्लावरिंग होती है और कैसे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल करके अपने पौधों को कीटों से भी सुरक्षित रख सकते हैं और अच्छी खासी ग्रोथ पौधों की होती है उससे। तो आगे ये देखिए, ये आप रोज़ देख रहे हैं जो कि एक अपना देसी वैरायटी का रोज़ है, और ये देखिए इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है और लगातार इसमें बडिंग होती ही जा रही है। तो बात करेंगे आज आपसे मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र के बारे में, जो कि आप सरसों की खली कहते हैं उसे, और आप उसे किसी भी फर्टिलाइज़र शॉप या फिर किसी भी जहाँ पे सरसों के तेल वगैरह मिलते हैं वहाँ से आप ला सकते हैं उसको, और बहुत ही ये रिजनेबल प्राइस पर मिल जाती है। आप इसे ले आ सकते हैं और इसका फर्टिलाइज़र बना करके अपने पौधों में रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, और जिससे इसमें बहुत सारे आपके फ्लावर्स और फ्रूट्स बनेंगे पौधों पर, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एनपीके की मात्रा बहुत अच्छी खासी होती है। तो उससे क्या होता है, फ्लावर्स को बढ़ने में मदद मिलती है, पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने घोल कर रख लिया है इसमें, ये मैं लगभग 300 ग्राम के आसपास ले आया था वो मस्टर्ड केक को, और उसको इसमें 2 दिन के लिए रख दिया है जिससे उसमें से अच्छी तरह से वो मिल जाए और उसका फर्टिलाइज़र अच्छे तरीके से बन जाए, तो जिससे कि प्लांट्स को उसको इनटेक करने में आसानी हो। तो देखिए मेरे पास कोई इस समय मग वगैरह नहीं है, तो मैं इस बॉटल को कट करता हूँ और उसी उसी से ही सारे प्लांट्स में डालूंगा इन लिक्विड फर्टिलाइज़र को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कट कर लिया है इसको और अब इसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना ज़्यादा पानी डाला है पहले से कि एक्स्ट्रा पानी इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये 15 लीटर का हमारा डिब्बा है, तो इसमें हमने लगभग 300 ग्राम के आसपास सरसों की खली डाली हुई है। तो ये देखिए, इसको क्लॉकवाइज घुमा लेंगे और ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जो नीचे पार्टिकल बैठे रहते हैं वो इसमें आ जाएं, और इसमें हम ऐसे ही डायरेक्ट इसमें डाल देंगे। हल्की सी फ्रेंड ध्यान ये इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सरसों के फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, मशरूम के फर्टिलाइज़र का, तो आपकी जो ज़मीन है वो हमेशा हल्का वेट होनी चाहिए, एकदम सूखी नहीं होनी चाहिए। अगर वो सूखी रहेगी तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी आपको देखना पड़ सकता है, जैसे कि प्लांट्स की पत्तियाँ पीली हो सकती हैं या झड़ सकती हैं। ऐसा ही वैसे कुछ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो इतना ख़राब कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन आप कोशिश करिए कि उसकी मिट्टी हल्की गीली रहे। तो ये देखिए, इसमें ये हम हर तरीके के प्लांट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसका बेस्ट इसका रिज़ल्ट आता है हमेशा। जब भी मैंने इसको यूज़ किया, इसका रिज़ल्ट हम मैंने बेस्ट ही देखा है। तो ये देखिए, जो टमाटर्स के सॉरी जो हमने टमाटर के पेड़ लगाए थे, पौधे छोटे छोटे लगाए थे, ये देखिए उनकी ग्रोथ भी अब चल पड़े हैं ये, और अब इनमें थोड़ा स्टिक लगा दिया है हमने जिससे ये, ताकि इधर उधर गिरे नहीं और स्टेबल रहेंगे ये। तो ये देखिए, अब इसके बाद हम ये देखिए आपको दिखाते हैं और आगे प्लांट चलते हैं। तो ये देखिए ध्यान से, जो मैं उसमें रेशे दिखा रहा था छोटे छोटे, ये वही रेशे हैं फ्रेंड्स। तो जिन्हें अगर इसे आप थोड़ा डीप लगाते हैं तो पौधे अच्छे स्टेबल हो जाते हैं और उनमें से रूट्स की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। ये हमारे ब्रिंजल के प्लांट्स हैं जिनमें मैं डायरेक्ट इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए हल्की सी फ्रेंड्स इसमें गुड़ाई कर दी है ताकि मिट्टी ऊपर नीचे होती रहे, और ये देखिए इसमें ब्रिंजल वगैरह कितने बढ़िया आ रहे हैं। और ये देखिए, ये गुड़हल का है, और इसमें मैंने थोड़े थोड़े लहसुन की कलियाँ भी एक दो लगा दी हैं जिससे कि हमें सर्दियों में लहसुन खाने को मिल जाएगा। और ये देखिए गुलाब है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए हम अपने ये मैंने लगाया है फ्रेंच बीन्स के प्लांट्स हैं छोटे छोटे, तो इनमें मैं डायरेक्ट इसको यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ही फ्रेंड्स इसमें यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी ऑलरेडी बहुत गीली है, तो अगर ज़्यादा डालेंगे तो इसमें फंगल इन्फेक्शन लग सकता है, इस वजह से इसमें थोड़ा थोड़ा ही यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए टमाटर के 2 प्लांट जो इसमें लगे थे वो इन्होंने कुछ कीड़ों ने खा लिए थे। तो और ये देखिए हमारा कनेर का प्लांट, इसमें काफ़ी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो इसमें भी हम जो है अपने मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए अब इसमें हम इसमें भी डालेंगे। इसकी फ्रेंड्स मैंने गुड़ाई बहुत अच्छे से कर दी थी, क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़ा पेड़ हो चुका है, तो अब उसमें काफ़ी ज़्यादा रूट्स डेवलप हो चुकी हैं, तो उसकी रेगुलर बेसिस पे हम कटिंग करते रहते हैं रूट्स की, प्रूनिंग वगैरह। ये पोथोस का प्लांट है ये देखिए, और एक टमाटर जिसमें हमने लगाया था,
तो हर प्लांट में आप लगभग यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा जो भी आपके सक्युलेंट फैमिली के प्लांट्स हैं उनमें आप कोशिश करिएगा कि मस्टर्ड का एक फर्टिलाइज़र का यूज़ ना ही करें, क्योंकि इनकी वजह से उसमें बहुत जल्दी गलन आने लगती है और पौधे आपके ख़राब हो सकते हैं। ये देखिए सबसे बढ़िया प्लांट आपका ये रहेगा, आप इसमें अगर मस्टर्ड का एक फर्टिलाइज़र का फ्रेंड्स यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इसमें और बढ़िया फ्लारिंग आएगी और फ्लावर्स के साइज़ जो है काफ़ी बड़े बड़े आएंगे, क्योंकि मस्टर्ड का एक फर्टिलाइज़र में पोटेशियम और फॉस्फोरस काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्रेंड्स पाया जाता है और नाइट्रोजन भी होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स को एक कंप्लीट हेल्थ मिल जाती है बढ़ने के लिए। तो ये हमारा चीकू का प्लांट है, इसमें भी हम यूज़ करते हैं इसको। इसमें फ्रेंड्स ये पिछले साल का गुलदाउदी लगा हुआ है और ऐसे ही ये बढ़ रहा है, देखिए होप करते हैं कि काफ़ी अच्छी इसमें भी फ्लारिंग होगी। और हमने अलग से भी गुलदाउदी के कुछ प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन ये पिछले साल का इसमें ही लगा रह गया था तो मैंने इसको इसमें से निकाला नहीं और ये इसी में चल पड़ा है। छोटी छोटी बडिंग भी इसमें चालू हो गई हैं, तो ये देखिए। और ये जो हमारा टमाटर का प्लांट है इसको मैंने डायरेक्ट सीड से लगाया है, मैंने इसको अलग से नर्सरी तैयार नहीं की थी, ये बस डायरेक्ट मैंने इसमें सीड डाल दिए थे बारिश के टाइम पे, तो ये धीरे धीरे चल पड़े हैं। अब इनमें छोटी छोटी फ्रूटिंग भी हो रही है, बहुत अभी छोटे छोटे फ्रूट्स आए हैं, तो मैं उसको आपको किसी और वीडियो में अपने दिखाऊंगा। फिलहाल ये देखिए मैंने इसमें भी मशक के फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है। अब इसमें ये देखिए गुलदाउदी के प्लांट्स, इसमें भी अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है और अब ये फ्लारिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। होप करते हैं दिसंबर के लास्ट तक इसमें फ्लारिंग हो जाएगी और काफ़ी अच्छी फ्लारिंग होगी। इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। और ये देखिए इसकी इसकी लीव्स वगैरह कितनी ग्रीनरी कितनी अच्छी आई है इसमें। फ्रेंड्स इसमें भी लगा हुआ था लेकिन वो टमाटर की वजह से दब गया है, देखते हैं कैसा होता है रिजल्ट। गार्डनिंग तो करके ही सीख सकता है व्यक्ति, ऐसे मतलब रेगुलर आप जितना अच्छा उसमें ध्यान देंगे आप उतना अच्छा धीरे धीरे सीख जाएंगे। कोई ऐसा वो नहीं है कि आप जैसा पहली बार लगाएं और प्लांट्स आपके बहुत अच्छे हेल्दी हो जाएं, तो धीरे धीरे करके ही सीखेंगे प्लांट्स। और आप सीखेंगे धीरे धीरे कैसे मतलब क्या दिक्कत आ रही है आपके प्लांट्स में, कैसी रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की। ये देखिए इसमें भी एक टमाटर अपने आप ही निकल आया था, तो ऐसे ही बस सब चल पड़े हैं। ये हमारा चंपा का प्लांट है, तो ये देखिए इसकी का इसमें भी एक गुलदाउदी की लास्ट ईयर का प्लांट है, वो भी ऐसे पड़ा हुआ है तो हमने उसको निकाला नहीं है, ऐसे उसमें भी फ्लावरिंग होगी क्योंकि फ्रेंड्स इतने ज़्यादा प्लांट्स हो गए थे कि उसमें। ये देखिए एक जूही का प्लांट है, इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो इसमें भी हम अपने मशरूम के फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए हमारा हिबिस्कस का एक अलग वैरायटी है ये। और होप करते हैं फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को ऐसे ही शेयर करते रहिए जिससे अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे प्लांट्स आपको देखने को मिले और एक अच्छी नॉलेज आप तक पहुँचे, हमारी मेरी भी यही कोशिश रहती है। तो ये देखिए अपराजिता का सिंगल पेटल का है ये, जो एक नॉर्मल देसी वैरायटी अपनी आती है अपराजिता की, ये वो है। ओके फ्रेंड्स बाय।